जोधपुर शहर में दिनदहाड़े ज्वेलरी शोरूम के मालिक को बांधकर जेवरात की लूट करने वाले लुटेरों को जोधपुर पुलिस ने 48 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही लूट का माल भी बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि बदमाशों ने ज्वेलरी शोरूम मालिक के हाथ पैर बांध दिए थे, जिसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस घटना को लेकर व्यापारियों में भी रोष व्याप्त था। इस वारदात का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। सरदारपुरा बी रोड पर 11 जून को लगभग 11:30-12 बजे एक मॉडर्न ज्वेलर्स की दुकान पर लगभग 70-75 वर्षीय बुजुर्ग की दुकान में घुसकर 2-3 लोगों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस को खबर मिली, खबर मिलते ही कुछ अधिकारी मौके पर पहुंचे। सरदारपुरा पुलिस टीम थाना अधिकारी के निर्देशन में अपने साथियों के साथ वहां ज्वेलर शॉप पर पहुंचकर तुरंत उस अधिकारियों के निर्देशन से इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। लगभग 48 घंटे में इन्वेस्टिगेशन करते हुए वारदात को खोल दिया है। इस वारदात में अब तक की इन्वेस्टिगेशन में यह साबित है, यह पता चला है कि राजू नाम का एक व्यक्ति लॉकडाउन से पहले उस ज्वेलर्स की दुकान पर गया और एक सोने की अंगूठी उसने खरीदी। उसके बाद में उसने देखा उसी दिन कि ये ज्वेलर्स पे बैठने वाला कमल किशोर एक बुजुर्ग व्यक्ति है और यहाँ काफी कुछ सामान मिल सकता है। उसने उसी दिन अपनी बदनीयती रखते हुए आगे एक प्लान तैयार किया कि इसके साथ लूट करनी है। फिर उसने अपने दूसरे साथी महेश महिपाल इनको मिलाया और 11 जून को 11:30-12 बजे इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। कहाँ से गिरफ्तार हुए? ये यहाँ से काकेलाव गांव की तरफ चले गए थे और इन्होंने इस वारदात में एक एक्टिवा गाड़ी जो उस ज्वेलर्स की थी और जो वारदात करने में जो सोना और चांदी लगभग 93 ग्राम के आसपास सोना इनसे बरामद हुआ।